बादल चटर्जी ने संभाला कमिश्नर का पद, कहा इलाहाबाद ने उन्हें सेवा के लिए फिर बुलाया है। सरकार की योजनाओं पर हो अमल पहली है प्राथमिकता मंडलायुक्त की। देखिए हमारे सब अधिकारी लोग हैं ऑलरेडी सब काम कर रहे हैं अच्छी तरह, और जो भी शासन की नीतियां हैं और जो भी पॉलिसीज हैं उसको इफेक्टिव रूप से क्रियान्वित किया जाना है। ऑलरेडी हमारे सब अधिकारी जो हैं सब काम कर रहे हैं, और भी थोड़ा सा उनको इस कार्य के लिए एक्सेलरेट कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो योजनाएं हैं उनका हाल अच्छा कुछ नहीं है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र का हाल बहुत अच्छा नहीं है, काम तो हो ही रहा है और प्रगति भी हो रही है सब जगह। हम लोग के पास फीडबैक भी आता है, मैं शासन में भी था तो बहुत दयनीय स्थिति ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर ऐसा है कि नीचे तक पहुँच नहीं पा रहा है, जो शासन की स्कीम्स हैं जो उनको सहूलियत मिलना चाहिए वो नीचे तक नहीं जा रहा, अंतिम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने अधिकारियों के माध्यम से उसको अंतिम आदमी तक उसको पहुंचाए। गांव में कुछ ऐसी नीतियां होती है कि जो जनताओं को रूबरू नहीं हो पाते, जनताओं को मालूम नहीं चलता, वो खत्म हो जाती है नीतियां, तब जनताओं तक पहुँच नहीं। देखिए अब तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, आप जानते हैं वो विकेंद्रित हो गया है, ग्राम पंचायत हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सबके माध्यम से सब स्कीम्स तो मालूम है ही, और हमारे जो निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, सब तो गांव में काम करते हैं, उनको सबको नीति के बारे में जानकारी है, तो हमारे विभाग के अधिकारी डिपार्टमेंट के लोग तो जाके अपने विषय में बताते ही रहते हैं, उनका भी दायित्व तो बनता है, वो भी बताते रहते हैं, तो उसके माध्यम से मालूम है, फिर समाचार पत्र है, फिर TV है, दूरदर्शन है, सब रेडियो है, सभी के माध्यम से हम लोग कोशिश तो करते हैं कि सभी यहाँ पहुँच जाए सब विषय। आप दोबारा इलाहाबाद में आए, इलाहाबाद के लोगों को क्या ऐसी कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, इलाहाबाद हमको अपार स्नेह प्यार दिया है और ईश्वर ने मुझे फिर दोबारा यहाँ भेज दिया है, मैं तो एक सिपाही हूँ है ना, और जनता का सिपाही हूँ, और शासन ने कमिश्नर बना के भेजा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी अच्छा कार्य हो सके मैं करूँगा। थैंक यू।